जय रघुनाथ जी की साहब गन धन भैया था आपसे सबसे जय रघुनाथ जी की नहीं हुई पाई थी और आपकी सबकी सेवा में हूँ। समाचार भी नहीं लेके आई पाई रहे हो गया कोई 26 तारीख से अपना समाचार बंद था। 1-2 बजे एक ही खास खास रही के एक सबसे बड़ी वजह तो यह थी कि दिवाली हरी को सीजन आएगी और विज्ञापन 5 रुपया का भी नहीं। अबे बताओ आदमी दिन भर मेहनत करे आए वहीं से समाचार ढूंढी के लाए जब घर चलाने लायक भी पैसा मिल पाए तो मन तो फटेगा। बस याद बात मार साथ गई फिर योज मूड था यार जब कहीं मिल ही नहीं रही अपन घर भी ठीक ढंग से नहीं चलाई पाई रहा तो कहीं करा या कहीं नहीं करा असमंजस में थो। 2-3 घटनाक्रम अड़ी बीच में ऐसा भी आप एक मां साहब है अभी 2 दिन पहला हमारे मिली भिंड के क्यों आना आजकल कहीं जय रघुनाथ जी थारा समीचार नहीं आई रहा हमारे दिमाग में ही। एक और मां साहब है अपना सोडंगाड़ी की इनका छोरा के जरिए मैंने समीचार मारा कन भिजवाया मैसेज भिजवाया कि भैया विषय थारा जय रघुनाथ जी वाला कीजिए समीचार काय वास्ते बंद हो गया। काले पापा ने हमारे पिताजी ने बैठी के मारे बात बताई तो मन क्यों ने पूछो भैया समीचार क्यों बंद है जब मैंने बताया कि यार अन्य तरीके की समस्या आई रही है जब कहीं मिली नहीं पा रही हो तो अपन समीचार चले के कहीं करांगा ये दिल की बात बताई ना आपके सबके आप सबसे जुड़े हूँ हमारा कण सैकड़ों हजारों मैसेज आया वेगा अभी तक समीचार बन गया अभी का बाद। पिताजी ने यार एक बात समझाई कि नाना हर चीज कभी भी पैसा का लेनी वे और यह बात मारे समझ में भी आई जब मैंने पिछले 5-10 दिन की बातचीत देखी जब यो मारे समझ में आयो कि हाँ वाकई में हर चीज हर सेवा पैसा का लेनी हो सके अणी वास्ते पाछा आपकी सबकी सेवा में हाजिर हुई गया हूँ दुगुना जोश का साथ और पाछा आपका सबका आपकी सबकी सेवा में फिर से रोज डेली समीचार लेके आऊंगा आप अपनो प्रेम बनाई के रख जो चलो मनाए आज का गणपति। अपना राजा जी मंगल सरकार टेम टेम पे प्रजा को हल जानवर निकले अब आज चली जो कार्तिक वालो महीनो कार्तिक का सोमवार की सांझ भी राजा जी सवारी शेर में निकली वीज सावन हरी का ठाट बाट राजा जी आशीर्वाद दे रहा प्रजा जोड़ी रही हाथ पहला आप सवारी दर्शन पहलो एक बात अग्नि वाली कहानी उन सुनाऊ पुलिस वाला मारा भाई इनकी झाड़ू चले तो एक हरी का तंदूरिया उन सो रहे ऊपर से आया आदेश का बाद कहाँ कौन लपटे रही हो कई भी देखे काले योज भी हो। एसपी साहब प्रदीप शर्मा जी ने वायरलेस पर आदेश करियो जितना भी शेर में चाकूबाज उन फरी रहे नी सगलाक सोरो ना इनको जुलूस निकालो। कोतवाली वाला मारा भाई उन ज्यादा जोश में आई गया चाकूबाज उनके सोरिया सोरिया लगे हाथ एक कोई भाजपा वाला युवा तुर्क भी इनका हाथ आई गया इनके बराती बनाई दियो मानो निकाली दियो। एक बात विधायक जी भाजपा नगर अध्यक्ष जी महामंत्री जी पार्षद जी काका जी ताऊ जी कजे कितना फोन गनगनाई गया जी को बाणो निकालियो वो कह रहे मनत कदी चक्कू मूठ नहीं पकड़ी एक बात भी बराती बढ़ाई दियो आनी घटना के बाद एसपी प्रदीप शर्मा जी कोतवाली वाला 2 स्टार बबलेश कुमार जी फीता वाला आत्माराम जी भाई तरुण पाल जी इनके लैंड में जमा कर दिया। बताओ कहीं नहीं करो तो दंड कहीं करो तो दंड। चाकूबाज उनकी जमात की बात चली रही तो लगे हाथ एक यो भी सीन देखी लो लचक कह रहा इन भाई साहब के देखे नाम है रेहान मंकल वाला अन्य क्षेत्र कणे का उज्जैनिया का एक छोरा पेंड ने चक्कू चलाया था जने हाथ में चक्कू पकड़ियो अबे वणी आज से अगला 6 महीना तक कुबड़ी पकड़ी चलना पड़ेगा। पुलिस वाला मारा भाई बताई रहा जब इन्हें रेहान के पकड़वान गया तो पट्ठन दुड़की लगाई दी अबे खड़ा खोचरा में अनशन भगो का था हाथ पक तो खंडित होएगा सही एक में पुलिस कहीं करे। ये जो मुलजिम है अन्य क्षेत्र में जो ऑटो वालों का आपस में झगड़ा हुआ था जिसमें चाकूबाजी हुई थी उस चाकूबाजी का मुलजिम है रेहान पहले तकिया मस्जिद में रहता था इसके बाद ये आदर्श नगर चला गया रहने इसने चाकू मारे थे
कल इसको खबर मिली कि बड़नगर रोड में भैरूपुरा में इसका लोकेशन है। हम लोग तत्काल टीम को लेकर पहुंचा तो ये भागने के प्रयास किया, भागने के प्रयास में इसके पैर में चोट आई। इसको अस्पताल लाए, इलाज कराया, डॉक्टर ने भर्ती कर दिया था, आज डिस्चार्ज किया है। अब इसको ले जाकर कार्रवाई की जाएगी। गांव गांव के बोहनिक साथे है खेत उड़ में पानी चलवा लगी हो, किसान बहुन जान जोखिम में डाली गई, काम करे नरिवार हादसा उन भी हुई जाए। अपना जिला का एक किसान भाई था 50 साल का हरि सिंह जी, काले खेत में पानी फेरता टेम स्टार्टर का लपेटा में आई गया, घर वाला उन करंट का झटका खाया, हरि सिंह जी के यहाँ उज्जैन लेके भगया, यहाँ मेडिकल कॉलेज का मां थोड़ी घनी देर इलाज भी हो, पर हरि सिंह जी जाता रहा। ये क्या खेत पर पानी फिरने गए थे, लाइट जाने के कारण ये चेक करने गए थे मोटर को, मतलब स्टार्टर पे टाइम को क्या देखने रहे, मतलब कटआउट लगाने के टाइम को करंट लग गया था, तो उस कारण हम यहाँ लाए थे आड़ी गाड़ी में, तो यहाँ पर इनको मृत घोषित कर दिया। मांकाल राजा के दरबार की एक और बात बताई दूं, मांकाल राजा के दरबार में कजा कितनी जगह बोर्ड ढूंढ टंगी गया, कणिप कर्मचारी पैसा देवक जरूरत कोनी, कजा कितना जतन हुई गया, कजा कितना पकड़े भी गया, इका बात भी वीका भी जाल कजा कई दाल में खून लगी गयो। कले प्रशासक गणेश धाकड़ जी ने एक कर्मचारी सोनुक धरियो थो, 5 जना उनकी परमिशन ने घुस ही दिया, 13 एक कोई गाराड है लवजीत, इन्हें तो अधज करी दी। बेंगलोर वाला एक परिवार वाला उनसे भस्मार्तिक दर्शन करवाने का थोड़ा बहुत 16,500 रुपया ले लिया, दो ही के फिलहाल मंकाल थाना वाला रस्तों दिखायो। पर एक बात है, अंदर की सेटिंग बिना इनके छोटा कर्मचारी उनके मजा लेकर रोज 1,000-10,000 को दाव बना ही ले, मने प्यादा पकड़े ही रहा, मेन खिलाड़ी तो हाल तक हाथ नहीं आई रहा। अपना जिला को उज्जैन को सरकारी अस्पताल चरक भवन का वहां में जच्चा बच्चा वाला अस्पताल का ऊपर चली गयो, जो तो हूँ आपके पहले बताई चुके हूँ। अबे तो इना नवा अस्पताल का माय कई केवल नवी इको कार्डियो वाली मशीन बेगी है, ऐसी मशीन जी पर झट मरीज का चढ़ाता से दिल को हाल बताई दे, दिल को हाल मने दिल का हाल सुने दिल वाला वालों नहीं, दिल की धड़कन न पंपिंग इनका हाल, दिल की बीमारी का हाल। हाँ कई ऊंधो चीतो मत हमजी लीजिए, यूं भी दिल की बीमारी नरी तरह की होए, कणी को दिल बैठी जाए, कणी को दिल चोरी हुई जाए, कणी की नली चौक हुई जाए, यह नवी मशीन 17 लाख रुपए खरीदी का सरकार ने यहाँ उज्जैन में भेजी है। ICU में इकोकार्डियोग्राफी मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया है। जो मशीन होती है वो हार्ट की जो ब्लॉकेज होते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब हार्ट कितना पंप कर रहा है और नसें कितनी चौक है, उसकी जानकारी दी जाएगी। बड़े सौभाग्य की बात है कि उज्जैन मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में पहली बार ये इंस्टॉल की गई है, जो कि टीकमगढ़ में भी दी गई है, लेकिन वहाँ की मुझे जानकारी नहीं है कि इंस्टॉल हुई कि नहीं, लेकिन ये पता है कि ये उज्जैन में पहली है और मध्य प्रदेश में पहली है जो इंस्टॉल की गई, जिससे कि आम जनता गरीब जनता को काफ़ी फायदा होगा। जो चलो साहब अभी आज का मंडी वाला भाव सुनी लो, सोमवार उज्जैन मंडी के माह सोयाबीन की 15,598 बोरी की आवक थी, सोयाबीन का भाव 2135 से लेकर 5,353 का बीच में चली रहा है, गेहूं की 5,020 बोरी की आवक थी, गेहूं का भाव 2535 से लेकर 3329 का बीच में रहा, देसी चणक भाव 4100 से लेकर 6741 का बीच में, काबली चणक भाव 5000 से लेकर 13301 रुपया, बड़ा चणक भाव 5700 से लेकर 6725 रुपया के बीच में रहा है, मेथी दाना भाव 4599 ने, धनिया भाव 4600 से लेकर 7000 का बीच में रहा है। उज्जैन थोक मंडी में सोमवार आलू की 650 कट्टे की आवक थी, आलू भाव 1500 से लेकर 2900 का बीच में, मॉडल भाव 2200 का रहा है, प्याज की 11200 कट्टे की आवक थी, प्याज का भाव 1800 से लेकर 4750 का बीच में, मॉडल भाव 3500 का रहा है, लहसुन की 1800 कट्टे की आवक थी, लहसुन का भाव 10000 से लेकर 34000 का बीच में ने, मॉडल भाव 25000 का रहा है। आपने देखा आज का बुलेटिन, बुलेटिन आपके कैसा लगे बता दे जरूर, काले फिर हाजिर होऊंगा आपका सबका साथ कहीं ना कहीं नई चीज लेके, मारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत, जय रघुनाथ जी की।